फिल्मों में दिखाए जाने वाले अंग्रेजों के जमाने के जेलर और कारागारों की हालत को अब बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर के कारागारों को सुधार गृह के रूप में विकसित किया जा रहा है। जेल मैनुअल में बदलाव करके बंदियों की सुविधा और सुरक्षा के कई नियम बनाए गए हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रताप प्रजापति का, जिन्होंने आगरा में जनसंदेश टाइम्स के साथ खास बातचीत की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, उससे पूर्व हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार में होमगार्ड राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहते हैं उन्होंने जेलों में से लेकर के कारागार विभाग में और होमगार्ड विभाग में बड़े परिवर्तन किए, जेल में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस परिवर्तन को जाना समझा और एहसास किया कहाँ परिवर्तन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे सरकार पिछला 5 साल का कार्यकाल हो चाहे ये 1.5 साल का कार्यकाल हो, बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि अंग्रेजों के समय का जेल मैनुअल बदला गया है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। और हमने पहले उस पुराने मैनुअल में महिलाओं को, जो स्वाहनी महिलाएं थी, मंगलसूत्र पहनने की आज़ादी नहीं थी, जमा करा दिया जाता था, लेकिन हमने उस मंगलसूत्र को छूट दी है। हमने हर त्योहारों पर जिस तरह से घर में खीर बनती है उसको खीर बनाने की प्रक्रिया हमने उस नए मैनुअल में लेकर कहा। महिलाओं को कपड़ा पहनने की आज़ादी हमने दी। हर त्यौहार हम जेल में अच्छे से मनवा रहे हैं कि कैदियों को ये महसूस न हो कि हम परिवार से दूर हैं। बहुत कुछ हमने जेलों में छोटे छोटे जुर्माने में जो कैदी बनते, लगभग 800 कैदी हम छोड़ चुके हैं और समाज सेवियों के माध्यम से, तो निरंतर प्रयास हमारा है और कैदियों के साथ हम स्वयं संवाद करते हैं। कैदियों का जो मजदूरी थी उसमें भी आपने हाल ही में दूना किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूना किया है, 25 का 30, 50 किया है, 30 का 60 किया, 40 का 81 रुपये, 41 रुपये, 81 रुपये किया है, तो दूना किया है इसमें। क्योंकि बहुत समय से उनका श्रम बढ़ाना था, बढ़ा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और उनका श्रम बढ़ा। उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की कितनी बड़ी दयनीय थी, आपने उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद में कल ही में देखा हूँ अलीगढ़ में एक घटना हुई थी, उसके बाद आप खुद उन परिवारजनों से मिले, उनके स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की योजना चल रही है होमगार्ड का? बहुत कुछ बदलाव होमगार्ड के लिए भी किया है। होमगार्ड का हमारा जो शुरू की ट्रेनिंग होती थी और उसके बाद में जब ट्रेनिंग होती थी तो 260 रुपये मिलते थे, जिसमें 100 रुपये उनके भोजन की कटते थे, 160 रुपये कोई होमगार्ड का व्यक्ति जाता नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनका जो ट्रेनिंग है भत्ता है वो देजी भत्ते के बराबर कराया है। हमने उनकी ड्रेस का पैसा हम सीधा उनके खाते में दे रहे हैं, NIC के माध्यम से उनकी ड्यूटी लग रही है। बहुत कुछ बदलाव किया हमारे होमगार्डों के लिए, इंसास राइफल हमने स्वीकृत कराई है, हमारे जिला कमांडेंट और मंडल कमांडेंट के पिस्टल भी स्वीकृत कराई है हमने। अभी हमारा अंतर जनपदी जैसे चुनाव में हमारे होमगार्ड का जवान जाता था तो मात्र 30 रुपये मिलते थे, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उसे 120 कराया है। तो बहुत कुछ चेंज हमारे होमगार्ड विभाग में हुआ है। एक और काम हमने बहुत बड़ा किया है, भगवान न करे किसी के यहाँ ऐसी घटना हो, होमगार्ड का जवान ड्यूटी के समय में कहीं जा रहा है या आ रहा है और कोई घटना होती है और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो 5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुग्रह राशि उनके लिए स्वीकृत की। हमने अभी बैंकों से बातचीत करके केवल होमगार्ड का हमारे का 1 रुपया नहीं कटेगा, वो अपना केवल जो दैनिक भत्ता है उसका उसे उस बैंक में लेना है और अपना यूज करना है। अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो 30 लाख रुपये, 35 लाख रुपये बैंक उसको देती है, 5 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, 40 लाख रुपये अब जिसको 4 रुपये कभी नहीं मिलते थे, 40 लाख रुपये उस परिवार को मिल जाते हैं और उस बच्चों को भविष्य बनने की उम्मीद करते हैं, हम लोगों को संतुष्टि होती है। संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी में आप कई राज्यों के पहले प्रभारी हैं, कई राज्यों में आपने संगठन विस्तार के काम किया, हाल ही में आपको त्रिपुरा भेजा गया है, तो किस तरह संगठन का विस्तार है और आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या कहना चाहें? विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष तो अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर सक्रिय रहता है, हर समय काम करता है, हम चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करते। भाजपा का संगठन हर समय सक्रिय रहता है, अन्य दल हैं वो चुनाव के समय कुकुर मुत्ते की तरह निकलते हैं और फिर चुनाव के बाद फिर चले जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं। पहले भी हमने देखा है, हमने 2 लड़कों की जोड़ी देखी है, बुआ भतीजे की हमने देखी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये भी हमने देखा है, उत्तर प्रदेश सब कुछ देखा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने, और केंद्र में भी सरकार हमारी बनाई और उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाई, मैं हृदय से उत्तर प्रदेश की और देश की जनता का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं तो फिर हमें आशीर्वाद देंगे।
ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश संगठन मंत्री रहे धर्मवीर प्रजापति जी, वर्तमान में कारागार में होमगार्ड राज्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती है, देश की सेवा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करती है। आगरा से गिरिजाशंकर के साथ रविंद्र सिंह।